नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन। खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस लाइन की बैरक का जर्जर बरामदा ढहा, एक सिपाही की मौत, तीन अन्य गंभीर रूप से घायल। कानपुर पुलिस लाइन की बैरक नंबर एक का बरामदा सोमवार की रात अचानक ढह गया। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई जबकि तीन अन्य सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से दो की हालत बेहद नाजुक है। हादसे की सूचना पर एडीजी जय नारायण सिंह, आईजी मोहित अग्रवाल, एसएसपी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के पर पहुंचे। मलबे को हटाया जा रहा है। अधिकारियों ने मलबे में किसी भी सिपाही के फंसे होने की संभावनाओं से इनकार किया है। पुलिस लाइन में वर्ष 1948 में चार बैरकों का निर्माण कराया गया था। दो मंजिला यह चारों बैरक पुलिस लाइन की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इनमें से बैरक नंबर एक बेहद जर्जर हालत में थी। बैरक के हाल के अलावा सिपाही यहां के बरामदों के नीचे भी अपनी चार डाले हुए हैं। बताते हैं कि इस बरसात में कमरे व बरामदे की छत से पानी चूने की शिकायतें सिपाहियों ने की थी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्राइम न्यूज 24 के लिए आकाश प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है यहाँ। इसमें एक हमारी बैरक की जो सामने वाला बरामदा होता है उसकी एक छत जो है पार्शियली गिर गई है, जिसके कारण हमारे तीन साथी जो सीरियसली इंजर्ड थे उनमें दो आउट ऑफ डेंजर हैं और एक की मृत्यु हो गई है। जो अरविंद हमारा साथी है वो हमारे साथ नहीं रहा है। हमारा प्रयास है, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लेकिन हमारा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग रहा है कि अब और कोई दबा हुआ नीचे नहीं होगा। जो माइनर कोई इंजर है उनको हम अलग से फर्स्ट एड दे रहे हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी और आधा पौना घंटा चलेगा। पिछले तीन घंटे से लगातार चल रहा था। जो साथी हमारा अभी नहीं रहा है उसके परिवार के साथ हमारी बिल्कुल बहुत सहानुभूति है और हम प्रॉपर सम्मान के साथ उसके फाइनल राइट्स करेंगे और जो भी सहायता उसके परिवार को लीगली पॉसिबल है वो तो हम करेंगे करेंगे। उससे बढ़ के हम लोग पुलिस परिवार की तरह भी उसके परिवार की सर रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी टीमें लगाई गई? देखिए, यहाँ पुलिस की टीमें तो नहीं है, पुलिस के अलावा JCBs भी नगर से मंगवाई गई हैं। हेल्थ की भी टीम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम है, फायर सर्विस की भी टीम है। सभी लोग मिल के प्रयास कर रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फाइनली पूर्ण अंजाम दें।